राष्ट्रपति भवन, जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर जो मिस चुके राष्ट्रपति हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं ये जो परंपरागत स्वागत की तैयारी है इजिप्ट के राष्ट्रपति के लिए, वो तैयारियां आप देख सकते हैं जो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शुरू हो गई हैं। तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहां औपचारिक स्वागत जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनका किया जाना है। आप देख सकते हैं कि वो पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन, और इस परंपरागत और औपचारिक स्वागत की तैयारी की गई है राष्ट्रपति भवन में। आप देख सकते हैं खुद प्रोटोकॉल के तहत द्रौपदी मुर्मू स्वागत करती हुई मिस्र के राष्ट्रपति का, और अब मिस्र के राष्ट्रपति हाथ मिलाते हुए गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो जो 75 वर्ष हैं कूटनीतिक रिश्तों के, उसका जश्न मना रहा है भारत मिस्र के साथ, और मुख्य अतिथि के तौर पर जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, उनका ये पहला मौका होगा। और हालांकि दोनों देशों के बीच अगर हम संबंधों का जिक्र करें तो बहुत पुराने संबंध हैं, और आज जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है परंपरागत तरीके से मिस्र के राष्ट्रपति का, तो अगर हम बात करें मुख्य आकर्षण ये भी है कि इस बार एक टुकड़ी मिस्र की सेना की भी कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती हुई नजर आएगी। और हम जानते हैं कि इससे पहले निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान।
समाप्त हो चुका है जो मिस्र राष्ट्रपति हैं, और अब वो तमाम जो मंत्रीगण उनसे मिलते हुए, विदेश मंत्री से उन्होंने हाथ मिलाया, साथ ही साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी, साथ ही एलजी के साथ हाथ मिलाते हुए राष्ट्रपति अब्दुल अलसीसी, वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं, और हम देख सकते हैं कि ये जो रस्मी स्वागत किया गया है राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अलसीसी का, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये इसी तरह का रवायत रहती है भारत में जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आता है, और मजबूत होती हुई साझेदारी का प्रतीक है ये, जिस तरह से अब प्रधानमंत्री जो हैं वो जो प्रतिनिधि मंडल मिस्र के राष्ट्रपति के साथ आया, उनके साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, उच्च शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में मिस्र और भारत की साझेदारी बेहद बेहद मजबूत, और लगातार इन आयामों को और नई ऊर्जा मिलती है। اسمحوا لي في البدايه ان انا يعني قبل ما اجيب على هذا السؤال يعني ان انا اتوجه للدوله الهنديه العظيمه بالتهنئه وبالتحيه والتقدير الكبير بمناسبه يوم الجمهوريه اللي بيوافق 75 عام، وبالمناسبه هذه المده هي برضو تتوافق مع 75 سنة من العلاقات بين مصر وبين الهند. وبعد الجانب before I answer the question, let me express my deepest congratulations, admiration and greatest and highest respect to the great nation of India on this day of the Republic that is coinciding also with 75 years of bilateral relations between our two countries. وبالمناسبة ديت أتقدم بالتهنئة أيضا حكومة وشعبا إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي بالتهنئة، وأتقدم بالتقدير والاحترام للقيادة الهندية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي أنا قبلت بيه في الهند. So I here reiterate my congratulations to the Indian nation, government and people for this great day, and with my admiration and highest esteem to the Indian leadership for the generosity and the warm hospitality that I have been accorded with since I came here. والحقيقة ده شرف عظيم لي أن أنا أكون ضيف شرف بمناسبة هذا الاحتفال، وده أيضا تقدير كبير أسجله باعتزاز للقيادة الهندية. It's a great privilege to be a guest of honor and participate in this glorious national day. This is something that I go for the record to deepen and stress my great appreciation for India and its people. واسمحوا لكم العلاقات المصرية والهندية عبر عقود كانت بتتسم دايما بالتوازن والاستقرار، والحقيقة كانت لم تصادفها خلال هذه السنوات الطويلة إلا العلاقات الطيبة والمتطورة والدور الجيد في السياسة الدولية. The relations between Egypt and India have been characterized through the decades with balance and stability. They have only seen constructive development. They have been all along evolving very positively. اسمحوا لي اقول لكم ان احنا من خلال هذه الزيارة نتطلع الى تطوير العلاقات والتعاون مع الهند في كافة المجالات، وصولا الى شراكة استراتيجية بين البلدين. Let me tell you that I expect throughout this visit that we take our bilateral level to a whole new horizon where we can reach the strategic relationship and partnership between our two countries on all levels. ننظر بتقدير شديد واحترام شديد للمسار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة وفي التطوير والنجاحات التي تحققت على مستوى
الدولة الهندية العظيمة. And we look with great esteem to the sustainable development experience of India and all the developments and accomplishments that the nation of India has achieved throughout the years. اسمحوا لي مرة تانية أن أنا أتقدم بالتهنئة بهذا الاحتفال يوم الجمهورية، وأتمنى للشعب الهندي والحكومة الهندية كل التقدم والازدهار والتوفيق. So as I conclude, allow me again to express my deepest congratulations for the celebrating the Republic Day, and I wish India and its people all progress and prosperity into the future. شكرا جزيلا. Thank you very much. हैं कि मिस्टर राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का तीन दिवसीय भारत दौरा, और उन्होंने कहा कि भारत आकर वो काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं, और जिस तरह से जो मेज़बानी भारत उनकी कर रहा है उसके लिए वो उसे धन्यवाद करते हैं, और मुख्य अतिथि के तौर पर वो यहाँ आए हैं इसके लिए उन्हें बहुत खुशी, और जो परंपरागत स्वागत किया गया है उनका उसके बाद ये बातें कहने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत अब यहाँ से वो रवाना होते हुए, और प्रधानमंत्री के साथ साथ वहाँ पर राष्ट्रपति मौजूद थी जिन्होंने उन्हें वहाँ से